क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगा ना कि आप 23 मार्च के दिन जब पेपर देने जाओगे तो काफी अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। आइए, देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं यहां पर कवर करूंगा। बिल्कुल आप तो अच्छे से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की। इनमें से कौन सा उर्दूताज पदार्थ नहीं है, तो देखिए आयोडीन, नमक, कपूर की अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो नमक एक ऐसा पदार्थ है जो उर्दूताज पदार्थ नहीं है, बाकी सब क्या है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? देखो ये है उपधातु है, और उपधातु हम उन्हें कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें अपन कहा जाता है उपधातु। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? एटॉम शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, बच्चों के मन में शंका होती है, तो रॉबर्ट हुक ने केवल कोशिका की खोज की थी, किसकी की थी, कोशिका की खोज, लेकिन कोशिका में केंद्रक को किसने बताया था, वो बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है भैयू, चलिए, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? देखो इसकी ट्रिक है, जैसे जल है और जैसे ही जाइलम, तो ये जाइलम आ जाएगा। आप देखो जैसे जल और जैसे जल से क्या जाएगा, जाइलम, तो जाने की जाइलम किसका घर काम करेगा, जल का संवहन का। फांसे फल और फांसे आ जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम किसका काम करेगा, फल का, है ना, भोजन का काम करेगा। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसे अपन कहते हैं वेग, क्या कहते हैं, वेग। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है यहाँ से, इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, 4, 5, 6। अब है रिक्त स्थान, तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है, विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति सेल्युलोज की बनी होती है, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित होता है, यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 रहेगा आपका, हो गया इतना, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जोड़ी को देखेंगे। तापमान का मात्रक, तापमान का मात्रक हो गया केल्विन। जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत है वो सी हो जाएगा। केंद्रक, केंद्रक है कोशिका, नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक, ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जो जा जाएगी वो लैक्टोमीटर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, ये रहेगा आपका। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्था में विद्यमान है? 3 अवस्था में विद्यमान है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, शुद्ध। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹ कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं, अंतरा फसलीकरण। ये हो जाएगा इतना यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ठीक है भैया, ये यहाँ से, इसके बाद में आपका कोलाइड एक समांगी मिश्रण होता है, असत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होगा, सत्य। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, असत्य रहेगा। बल एक कैसी राशि है, अदिश राशि, असत्य रहेगा। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, सत्य रहेंगे। द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ये असत्य रहेगा। यहाँ से रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ऊर्ध्वपातन परिभाषित को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देना है। मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी और विषमांगी मिश्रण में वो उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड ने के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। कैथोड किरणों के 2 गुण लिखने हैं,
हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों के नाम और संकेत बताइए। तीन कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। रंध्र के क्या कार्य हैं, ठीक है हो गया। रेखित और अरेखित पेशी में अंतर। पौधों में के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना है। मंदन किसकी परिभाषित कीजिएगा, मात्रक देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहते हैं, मात्रक देना है। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नेतांक जी में अंतर बताइए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताना है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण से बताना है। गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। हरी खाद, हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखने हैं। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फसल पैटर्न हो गया है। आयनिक तथा आता है छठा की ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस में बदल जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। यानी कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले वह ठोस में आ जाएगा, ठीक है भैया, या फिर ठोस को सीधा करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, बीच में द्रव वाला का काम है ही नहीं, तो वो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उदाहरण के लिए कपूर है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताना है। तो देखिए गलनांक और क्वथनांक में अंतर आप यहां से बढ़िया से कंप्लीट करोगे, हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो ये यहां पर आपका हो गया, ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कोलाइड के दो गुणधर्म लिखिए, हो गया। इसके बाद में मिश्रण और यौगिक में अंतर, बढ़िया से मैं जब कहूँ, जब स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में वो उदाहरण सहित आपको बताना है। यहाँ से आप विषमांगी मिश्रण का सॉल्यूशन देख सकते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण आपको देने हैं। ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। वो क्या क्वेश्चन नंबर 9, कैथोड किरणें के को ही दो गुण लिखिए। ये यहां से हो जाएगा, कैथोड किरणों के क्या है, कोई दो गुण लिखना है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखने हैं। तीन कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल को चित्र सहित बनाइएगा। ये हो गया इतना। इसके बाद में आ गया रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य। यहां पर देखिए किन्हीं दो प्रकार के पेशी रेशों के नामांक के चित्र बताना है। तो ये आपका पेशी रेशा हो गया, यहां से रेखित और अरेखित पेशी में अंतर, क्वेश्चन नंबर 12 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा ये रहेगा आपका यहां से 46, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। वे राशियां जिनमें जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिणाम और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपन कहते हैं सदिश राशि। उत्वा है मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखना है आपको। बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए, हो गया भाई उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख सकते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताइए। देखो घर्षण के क्या क्या लाभ है, देखो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, रुक सकते हैं, घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण ही हम लिख